पाकोर से आप क्या समझते हैं? दुनिया भर में लोग घरों, लकड़ी की फेंस, बर्फ पर कूदते हैं और विभिन्न स्टंट करते हैं। इसे कहते हैं पाकोर। यह फ्रांस में शुरू हुआ और कई स्टंट करने वाले लोगों के साथ यूरोप और दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक विदेशी को लोकल ट्रेनों में कूदते और अलग अलग स्टंट करते देखा गया। इस कहानी में रुचि रखने वालों के लिए मैं आपको बताता हूँ। जेसन पॉल एक पाकोर के शौकीन है और 2005 से इसका अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके पास आया और उसे पाकोर का एक वीडियो दिखाया जिसने जेसन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग उसके पाकोर स्टंट को देखकर चकित रह गए जो बर्फ पर और लोगों के ऊपर किए जाते हैं। पॉल के अनुसार दुनिया के सभी शहरों में मुंबई सबसे व्यस्त है। वह हमेशा शहर का दौरा करना चाहता था और अपने पाकोर स्टंट को शूट करना चाहता था। पॉल ने फिर रेड बुल के साथ सहयोग किया और एक वीडियो शूट करने के लिए भारत आया। और विभिन्न स्थानों जैसे चर्च गेट, गोपी घाट, उन्होंने नावों पर छलांग लगाई, लोकल ट्रेनों और कई अन्य जगहों पर स्टंट किए। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। भारत में यह उनका पहला मौका नहीं है। वह 10 साल पहले निजी काम के लिए मुंबई के जू आया था। पिछले साल वह फिर से आया और शहर भर के स्थानों की तलाशी ली। फिर कुछ दिन पहले शूटिंग की। पॉल ने कहा कि हलचल के बीच वह किसी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें एक वीडियो समर्पित किया। आप उन डब्बा वालों से वाकिफ होंगे जो टिफिन लेते हैं और समय पर उन्हें पहुंचाते हैं। दुनिया भर में भोजन वितरण में एक घंटे या उससे भी अधिक की देरी हो सकती है। पॉल भारतीय डब्बा वालों से प्रभावित है जो हमेशा समय पर होते हैं। वे साइकिल पर खाना पहुंचाते हैं और लंच बॉक्स ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है।